प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी और तमिलनाडु में कई विकास परियोजना वाली कीनी लोकार्पण और शिलान्यास जनसभा ने करिया संबोधित। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रा दुरुपयोग ने रोकबा खातिर सरकार जारी करी नुआ दिशा निर्देश। 5 साल तई री सजारे साथे न्यारा स्तर माथे अधिकारियां री नियुक्ति रो राख्यो प्रावधान। भारतीय जनता पार्टी विधायक निर्मल कोमावत आज विधानसभा में सांभर झील में हो रहा अतिक्रमण रो उठायो मुद्दों कया सांभर झील में निजी नमक उत्पादन शू करियो जा रो है पानी रो दोहन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य बजट माथे प्रतिक्रिया देता थका गया बजट घोषणावा रो अंबार मात्र लारा बजट री घोषणावा नी उतरी धरातल माथे। और जैसलमेर रो विश्व प्रसिद्ध मरुमेलो परंपरागत रूप से हुयो शुरू सूफी गायक कैलाश खेर रो गायन बांध्या समा। एक साथ ही यो बुलेटिन अढ़ाई समाप्त हो। नमस्कार नमस्कार। अब समाचार विस्तार सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी और तमिलनाडु रा दौरा माथे है। इस दौरान वे कई विकास परियोजना वारो उद्घाटन और शिलान्यास करिया। प्रधानमंत्री पुडुचेरी में जनसभा ने संबोधित करता थका कांग्रेस सरकार माथे जनता रे साथे विश्वासघात रो आरोप लगाया। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर में भी कई परियोजनावारो शिलान्यास कर जनसभा ने संबोधित करेला। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ पुडुचेरी वणक्कम। मोमेंट एगो A large number of development works were inaugurated. These development works cover roads, healthcare, education, culture, sport, and marine economy. The impact of these works is going to be huge. These development works will improve connectivity and bring more opportunity for Puducherry. I have spoken in detail about the work in my previous speech. Congratulations to the people of Puducherry for this project. Today, when India is working toward becoming आत्मनिर्भर, I see a major role for पुडुचेरी in this moment. और भी एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं पहले भी कई बार आया हूं, इसी मैदान में आया हूं, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं, ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा, ये अद्भुत है। पुडुचेरी में हवा कैसे बदल रही है, ये आज दिखाई दे रहा है। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रा दुरुपयोग ने रोकबा खातिर सरकार नवा दिशा निर्देश जारी करी है। आज नवी दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मीडिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट रा निर्देशों मुजब सरकार महिलावारी गरिमा बनायाबा खातिर आपत्तिजनक पोस्ट ने रोकबारो फैसलो लेनी है, जो 24 घंटा माए केस दर्ज कर 15 दिन माए आपत्ति रो निवारण करेला। लेट मी फर्स्ट ले डाउन द ग्राउंड रूल वेरी क्लियरली। सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया। दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल, दे हैव गॉट गुड बिजनेस, they have got good number of users and they have also empowered ordinary indians. iski hum tareef karte hain. vyapar kare, paise kamaye
और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स क्रिटिसिज्म एंड द राइट टू डिसेंट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एंड सोशल मीडिया हैज बीन यूज टू आस्क क्वेश्चंस टू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. I let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. भारतीय जनता पार्टी विधायक निर्मल कुमावत आज विधानसभा में सांभर झील में हो रहा अतिक्रमण रो मुद्दा उठाया। भाजपा पत्रकारों से बातचीत करता थका वे कहा कि सांभर झील में निजी नमक उत्पादकों से अवैध रूप से कब्जा कराया गया जा रहा है और पानी रो दोहन भी कराया जा रहा है। देखिए, सांभर झील पे लगातार अवैध दोहन हो रहा है, करोड़ों रुपए का पानी चोरी हो रहा है। ये सरकार ने माना है, सैकड़ों किलोमीटर लाइन, सैकड़ों किलोमीटर पाइपलाइन है, बिजली की लाइन है, अवैध बोरिंग है। एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि हम इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते, एक तरफ कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के सभी अधिकारियों की, सभी इसमें बड़े कर्मचारियों की, सबकी मिलीभगत से ये काम हो रहा है, ये मेरा साफ साफ आरोप है। सरकार जानबूझ के अतिक्रमण हटाना नहीं चाहती। प्रदेश सरकार कानी सु पेश कराया गया बजट ने भारतीय जनता पार्टी घोषणावारो अंबार बताई है। भारतीय जनता पार्टी रे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और भारतीय जनता पार्टी विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा रे बारे पत्रकारों से बातचीत करता थका कया कि इन घोषणावा खातिर वित्तीय प्रबंधन ने लेर सरकार कने कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने आंधियों में भी चिराग जलाए हैं, पर मुझे लग रहा है इनके दिए टिमटिमा रहे हैं, इसलिए मध्यावधि चुनाव जैसी संभावना है अभी, क्योंकि सरकार की उनकी बातचीत से, उनके चेहरों से, उनके आचरण से, बॉडी लैंग्वेज से ये साफ तौर पर लगता है कि उनको कभी भी चुनाव में जाना पड़ सकता है। रही बात चार विधानसभा के क्षेत्रों पर खर्च करने की, तो राजस्थान में दो साल पहले जो घोषणा की थी जन घोषणा पत्र में, बजट वन में, बजट टू में, और ये तीसरा बजट था, आप यदि एक एक स्कीम का लेखा जोखा करोगे तो 78 योजनाएं ऐसी हैं जो कागजों से उतरी नहीं है। वो कहें कुछ भी लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। चार विधानसभा क्षेत्रों में, ये विधानसभा क्षेत्र भी यहीं थे, इनका नेता भी यहीं थे, तो उन्होंने क्यों नहीं वहाँ कॉलेज खोले, क्यों नहीं सड़कें बनाई? अब वो वहाँ पे रिपेयर करेंगे, पैच वर्क करेंगे। कि बजट को यदि गहराई से अध्ययन करेंगे तो चुनावी बजट के साथ केवल घोषणा ही बजट है, जबकि उसके कई वित्तीय प्रावधानों की कई दूर तक भी कोई गुंजाइश नहीं है। युवकों को केवल भ्रमित करने का प्रयास किया कि पिछले दो वर्षों की 1,28,000 भर्तियों में से केवल 51,000 भर्तियों की भी केवल विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, बाकी कहीं धरातल पर नहीं है। 35% घोषणाएं धरातल पर आई नहीं है, केवल 25% पूरी हुई हैं और बाकी 40% अभी प्रक्रिया में चल रही हैं। तो इस तरह ये बजट ला करके लोक लुभावनी घोषणाएं करना लगता है कि शोर इंगित तो कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य बजट माथे आपरी प्रतिक्रिया देता थका कया कि बजट घोषणावारो अंबार मात्र है। जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करता थका शेखावत कया कि लारला दो बजट में जो वादा करिया गया है वाने ही हाल तई धरातल माथे नहीं उतारे गयो। तो घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र है, अनेक घोषणाएं की गई है और ऐसा लगता है कि जैसे सरकार कोई मध्यावधि चुनाव में जाने वाली, इस दृष्टिकोण से बजट ऐसा दिया है। लेकिन मैं एक सामान्य प्रश्न आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों ने बजट से पहले जो न्यूज जिस तरह की दी थी कि पिछले दो बजट में जिस तरह के वादे किए गए थे, जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी, अभी उनके धरातल पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं। अनेक ऐसी हैं जो अभी डीपीआर के स्टेज पर चल रही हैं पिछले दो साल में। तो ये जो लोक लुभावन घोषणाएं की गई है,
ये घोषणाएं वास्तव में धरातल पर किस तरह से उतरेंगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई बात भी नहीं। और जनता जो है सहज रूप से इन सारे विषयों पर विश्वास भी नहीं करती है कि किस तरह से इन घोषणाओं पर को अमली जामा पहनाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में जिस तरह की बातें की गई, मुझे लगता है कि ये बजट किसानों को खुश करने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं को, जिनकी छवि सूर्य देश भर में धूमिल हो चुकी है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। बाकी समाचार राम रापाचे। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी कहे ना उबरे मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आम जन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। देश में अबारतानी 14,32,000 हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने कोविड टीको लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन री दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह भारत रा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम री समीक्षा में अधिकारियों से प्रगति री जानकारी ली। जयपुरा SMS मेडिकल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों माथे आधारित 2 परीक्षा हॉल बनाया गया है, जिनमें 500 परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा दे सके है। SMS मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी बताया कि कोरोना के मद्देनजर हाल में एंट्री और एग्जिट खातिर अलग अलग द्वार बनवाया गया है। यहाँ पे 38 डिपार्टमेंट्स हैं, सारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स इस हॉस्पिटल में हैं। नेचुरली जब रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स इतने अधिक मात्रा में होते हैं तो हमें उनका एग्जामिनेशन पैटर्न भी नेशनल मेडिकल काउंसिल के प्रोटोकॉल के अनुसार करना पड़ता है। NMC के प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने हाईली डिजिटलाइज स्टेट ऑफ हार्ट एग्जामिनेशन हॉल्स क्रिएट किए हैं। उसमें 500 स्टूडेंट्स एक साथ एग्जामिन करवाए जा सकते हैं और उस एग्जामिनेशन हॉल को टोटली डिजिटली बोर्ड्स के द्वारा सपोर्ट किया गया है। सारे इंस्ट्रक्शंस भी डिजिटली दिए जाते हैं। दे आर एयर कंडीशन हॉल्स और वो पूरा नेशनल मेडिकल काउंसिल के स्टैंडर्ड्स और मापदंडों को मीट आउट करते हैं। ये 2 परीक्षा हॉल बनकर तैयार हुए हैं, जिनमें हर एक परीक्षा हॉल में करीब 250 छात्रों के बैठकर आराम से एग्ज़ाम देने की सुविधा है। ये हॉल जो है पूरी तरह से वातानुकूलित है, एयर कंडीशन्ड है। इस हॉल में लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब उत्तम प्रकार से की गई है। बच्चों को अनाउंसमेंट करने के लिए साउंड सिस्टम्स, बच्चों को के ऊपर नज़र रखने के लिए जो एग्ज़ामिनेशन देते हैं उनके लिए कैमराज, जो CCTVs होते हैं वो, एंड क्योंकि हॉल काफ़ी बड़ा है इसे बच्चों को उनके रोल नंबर्स, उनकी जो रोज हैं या जहाँ पे उन्हें बैठना है उसका ज्ञान देने के लिए यहाँ पर LED स्क्रीन लगाए गए हैं। जयपुर परिवहन कार्यालय ने हाईटेक बनावरी दिशा में काम करियो जा रहे है। परिवहन आयुक्त रवि जैन बताया कि विभाग रा क्रियाकल्परा और पारदर्शिता लावे साथ है लोगों री सहायता खातिर CCTV कैमरा लगावारी तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग ने पिछले कुछ महीनों में या हम कहें कि पिछले एक साल में बहुत सारे नवाचार किए हैं और ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी व्यक्ति को अपने काम के लिए दलालों से संपर्क न करना पड़े और न ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इवन ऑफिसर्स के भी संपर्क में आए, ज़्यादा से ज़्यादा काम उसके ऑनलाइन हो जाए। इनके लिए हमने बहुत सारे जो सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन कर दिया है।
ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक हमने शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दलालों से संपर्क करने की जरूरत नहीं रहेगी। निष्पक्ष रूप से मशीन के और कंप्यूटर के माध्यम से अब ड्राइविंग लाइसेंसेस दिए जाएंगे। हमने पूरे आरटीओ ऑफिसेज में ये बोला है कि सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएँ रूम्स के बाहर, रूम्स के अंदर, सो दैट कि अगर कोई दलाल वहाँ पर बैठा मिला या कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ पर बैठा मिलता है जो अनाधिकृत है, उसको तुरंत निकाला जा सके और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सके। आरटीओ ऑफिस हाईटेक हो और ट्रांसपेरेंसी रहे। सबसे पहले तो हम आरटीओ जयपुर ऑफिस में सभी हम सीसीटीवी कैमरास लगवा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने का उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां, अवांछित गतिविधियां, अवांछित लोग नहीं आए और जो वास्तव में जिनको अपने काम की आवश्यकता है वही आए और उनका काम हो और एक कॉन्फिडेंस आए। और साथ ही ऑफिसर्स लेवल पे हम एक कंट्रोल रूम रखेंगे जहां हम ये देख पाएंगे कि हमारी जो विंडोज़ हैं किस विंडो पे गतिविधियां ठीक चल रही है, किस विंडो पे हमें प्रॉब्लम है जिनको हमको दूर करना है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन आज जंक्शन स्थित फजलदीन सरकारी मिड डे मील रो औचक निरीक्षण करया। इस दौरान वे टाबरा ने दिया जावा वाला भोजन रा बारा में जानकारी लेनी, इरे साथ ही टाबरा सु संवाद भी करया। पूरे जिले भर में राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार मिड डे मील का निरीक्षण किया जा रहा है, तो मिड डे मील का स्टॉक और जो रिकॉर्ड है उसकी जाँच पूरे जिले के अंदर की जाएगी। अलग अलग अधिकारी सब जगह कर रहे हैं, मैंने भी यहाँ जो सरवसिया में फजलदीन स्कूल है सरकारी, इसमें किया है, तो सारा स्टॉक वगैरह इनका सही पाया गया। इसके अलावा स्कूल के सामान्य निरीक्षण भी चीज़ें भी मैंने देखी, साफ सफाई बड़ी अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बच्चों का भी स्टैंडर्ड काफ़ी ठीक है। मैंने बातचीत करके क्लास में इंट्रेक्शन करके देखा। सीकर में जिला प्रशासन कानीसू दो बालिकाओं ने गोद लेर उनरी शिक्षा और खर्च री जिम्मेदारी लेनी है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी बताया या निर्धन बालिकाओं रा पिता रो कैंसर रो इलाज चल रो है, इनसु इनरी पढ़ाई लिखाई नी हो बारी सूचना माथे लाडली कल्याण समिति कानीसु बालिका ने गोद ले बारो फैसलो लियो गयो। और अब आगे के लिए कहीं की योजना करना बुलाया जाए कहीं कुछ तो अपने हॉस्पिटल में है ये चीज, दवाई हॉस्पिटल से मिल जाएंगी या कुल्ला करवाली सीसी अभी मिल जाएगी हॉस्पिटल में अभी है वाला। नहीं, हमारे ध्यान में ये केस आया था, एक मोहम्मद इशाक है, उनकी दोनों बेटियां हैं, वो चूंकि कैंसर पीड़ित हैं फादर, इसलिए बच्चियां भी जो हैं काम करने को मजबूर हुई थी, ऐसा हमारे ध्यान में आया था। और हमने इसको केस को बहुत एक संवेदनशीलता से देखना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी गंभीर कैंसर पीड़ित हैं, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। तो यहाँ के सीएससी के माध्यम से जो सीएससी इंचार्ज है उन्होंने पूरा सहयोग किया है और उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, साथ ही साथ उनका जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंतर्गत उनका इलाज भी जिस भी अस्पताल में वो करवाना चाहें उसमें वो करवाने में सक्षम हैं और उनको उसके लिए जो प्रोसीजर है वो पूरा गाइडेंस दिया जाएगा अगर उनको कोई समस्या होगी तो। धौलपुर जिला में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत डांग खेतर्रा सर मथुरा तहसील में लोगों ने यादना बकरी पालन रो प्रशिक्षण दिए जा रहे है। वल लूपिन फाउंडेशन और जिला प्रशासन कानीसु सीमांत और बीहड़ खेतर्रा गरीब किसानों रो चयन कर वाने रोजगार देवारा उद्देश्य से यो कार्यक्रम चलाया जा रो है। बकरी पालन संवर्धन के शुरू किया गया है, ये जितने भी कार्यक्रम है इसी दिशा में प्रयास है कि कैसे लोगों की रोजी रोटी को बढ़ाया जाए, कैसे उनको स्किल के कौशल विकास करके उनको और अवसर उनके लिए खोले जाए। मैं जानता हूं कि लोगों में लड़ने की अत्यधिक जुझारू क्षमता है, केवल उनको रास्ता दिखाने की बात है, तो रास्ता दिखाने का काम आज जिस रूप में और जैसे हम लोग कर रहे हैं हमारी बड़ी प्रसन्नता का विषय है। बूंदी भाई सब्जियां री उन्नत खेती खातिर काम कर रहा सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस कानीसू नवाचार हो रो है। अबार तई विदेशा और पहाड़ी इलाका में तैयार होने वाली फसल हाड़ौती संभाग में भी काश्तकारी आमदनी रो बेहतर जरियो है। सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस और वैज्ञानिक कानीसू स्थानीय किसानों ने ब्रोंकली रो प्रशिक्षण भी दियो जा रो है। ब्रोकली का हमने काफ़ी उत्साह से इसको प्रोड्यूस करने का प्रयास किया है और
अच्छे इसके प्रोडक्शन आ रहे हैं। बाकी अभी वर्तमान में हम मार्केट में यहाँ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ इसके लोग अनभिज्ञ हैं काफ़ी, और प्रयास करके जो प्रोड्यूस आ रहा है इसको हम बाहर गुजरात है, कोटा है, जयपुर भेज रहे हैं। किसानों को और आम जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शुगर के लिए, बीपी वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैटी लोग हैं जिनका वज़न ज़्यादा है और जिनके फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बागीरा समाचार ई ब्रेक पाछे। रहमन पानी राखिए, पिन पानी सब सून, पानी कहे ना उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आम जन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम कानीसू प्रदेशरी जिला में कौशल प्रशिक्षण रो कार्यक्रम राख्यो जा रो है। आरएसएलडीसी रा चेयरमैन डॉक्टर नीरज के पवन बताया कि प्रशिक्षण माध्यम से प्रदेश में कैदियों ने रोजगार रा साधन मुहैया कराए जावेला। देखिए, राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो हमारे बंदी भाई हैं, जो हमारे जो बंदी सुधार गृह हैं जिनमें रह रहे हैं, उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। उसके लिए हमने सेंट्रल जेल जयपुर में, अजमेर में, टोंक में, कोटा में, कई जगह पर इस तरह के कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू किए हैं। इससे 2-3 तरह के लाभ होंगे। न केवल जब वो वहाँ रह कर कोई अपना कौशल हासिल कर लेंगे तो बाहर निकल कर वो अपने समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे और अपराध की ओर नहीं मुड़ेंगे। जो लोग जो हाथ किसी वजह से अपराध में संलिप्त हो गए, उन हाथों को हुनर दे करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और इससे अपराधों को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो इतनी बड़ी वर्कफोर्स हमारे पास प्रेजेंस में अवेलेबल है, उनको किसी सकारात्मक गतिविधि में लगा करके उनसे कुछ प्रोडक्टिव काम कराया जा सकेगा, जो उनकी आशाएं शॉप्स हैं जिसपे उनको बेचा भी जा सकेगा। इसके माध्यम से न केवल वो जब जेल में है तब तक, बल्कि बाहर निकल के भी उनको लाभ मिल पाएगा। देश में वोकल फॉर लोकल ने बढ़ावो देवा खातिर आपरी तैयारो पहलो राष्ट्रीय खिलौना मेलो 27 फरवरी सु वर्चुअल तरीका सु राख्यो जावेलो। 2 मार्च ताई चालो वाला मेला में शहर साथ ही गांवरा खिलौना निर्माता ने भी आपरा उत्पादन ने राष्ट्रीय स्तर माथे प्रदर्शन करवा खातिर मंच मिल सके है। फेयर से हमको ऐसा है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमको जो प्राइस जो मिलना चाहिए, जो हमको लागत मिलनी चाहिए, वो लागत नहीं मिलती, और जो फेयर हो रहा है तो उससे हमको आशा है। जो फेयर भारत सरकार इतना कुछ कर रही है तो फेयर में ये है जो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए वो फेयर में हमको मिल सकता है, तो हम भारत सरकार के आभारी है, इतना हमारे हमको सपोर्ट दे रहे और इतना हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। खिलौने बनाने हमने टॉय फेयर में सीखा है कि लकड़ी में हम और भी कोई चीज़ें बना सकते हैं। वैसे हम लोग यही चीज़ें बनाते थे, कठपुतले में राजा रानी बनाते हैं, ढोला मारू बनाते हैं, नाग सफेरा बनाते हैं, लेकिन टॉय फेयर में आने के बाद हमें खिलौना बनाना सीखा है हमने, और ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हम हमारी कला को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ये SVH का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये हमारे को सीखने का मौका मिला, हमारे को इस चीज़ का जो छोटे छोटे खिलौने बनाने के लिए हमें मौका दिया बनाने का। पहले तो हम कठपुतले बनाते थे, लेकिन अब हमारे को नया आइटम बनाना सिखाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका। 40 साल का था, 40 साल हो गए कठपुतले काम करते करते, और ये हमारी धरोहर है, दिन पे दिन ये लुप्त हो जा रही है। आप लोगों ने, सरकार ने हमारी बहुत मदद की है, और ये ऐसे ऐसे हम काम सीखे हैं, बहुत हमको सीखने का मिला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा सपना ने साकार करवा खातिर देश रो पहलो वर्चुअल द इंडिया टॉयज फेयर 27 फरवरी सु आयोजित होवेलो। ई फेयर में जयपुर री कठपुतली क्लस्टर रा कारीगर भी भाग लेवेला। जयपुर रा ईपीसीएच में कारीगर ने मेला में भाग लेवा खातिर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देश के पहला जो वर्चुअल इंडिया टॉय फेयर हो रहा है उसमें हमारे जयपुर ज़िले के कठपुतली नगर के आर्टिजन भी भाग ले पा रहे हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे इनको एक वर्चुअल एग्जीबिशन कैसे होता है, ये किस तरीके से उसको ऑपरेट कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं, जो कि 4 दिन चलेगा, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च तक चलेगा। और इसके अंतर्गत इनको जो भाग लेने का मौका मिला है इनके कला को प्रदर्शन करने के लिए, तो उसमें हम लोग अभी इनको एक ट्रेनिंग के रूप में किस तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, क्या जानकारी इनको अपने पोर्टल पे देनी है, इनका जो हमने बूथ बनवाया है उसके ऊपर इनका प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये लोग पूरी दुनिया में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ इन लोगों को यहाँ ट्रेनिंग जो इनको यहाँ से ट्रेनिंग दी जा रही है, जो ट्रेनिंग तो इनको मिल चुकी है एक्चुअल में 30 आर्टिजन को, तो ये जो टॉय फेयर है इसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देश में खिलौना क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों ने आगे लावा खातिर 27 फरवरी से शुरू होने वाला आपरी तरह रो पहलो वर्चुअल टॉय फेयर ने लेर खिलौना निर्माता और लघु उद्यमी उत्साहित है। राजसमंद जिला रा मोलेला गांव रा खिलौना कारीगर भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। गांव रा टेराकोटा कलाकार राजेंद्र कुमार रो पूरा परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हुए है और वाने उम्मीद है कि इस टॉय फेयर से आगे बढ़वा रा नुआ मौका मिलेगा। छोटे छोटे खिलौने वगैरह ये भी बनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये विलुप्त की कगार पे है, क्योंकि मतलब चाइना से और प्लास्टिक के खिलौने बहुत से बन गए हैं। तो इस वजह से अब एक मोदी सरकार ने अच्छी पहल की है, जो मतलब टॉय फेस्टिवल लगा के मतलब 27 फरवरी से ऑनलाइन जो लग रहा है उसमें बहुत अच्छा होगा कि हमारे मतलब कारीगर जैसे भाइयों को लाभ मिलेगा। ये मैं 9 इंच टाइल बना रही हूँ जी जी, मैं एक पेड़ और एक झोपड़ी बना रही हूँ। अच्छा, बच्चे के खिलौने बनाते हो आप? मूर्ति बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। अच्छा, अलग अलग। अच्छा, केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल के तहत जो कदम उठा रही है वो काफ़ी सराहनीय है, तो हम जैसे लोगों को उसका नया रोजगार मिलेगा टॉय फेस्टिवल के रूप में। जैसलमेर रो विश्व प्रसिद्ध मरुमेलो परंपरागत रूप से भगवान लक्ष्मीनाथ जी री आरती और सूफी गायक कैलाश खैर रो गायन रे साथ है शुरू हुयो। 4 दिन चलने वाला मरु महोत्सव में सोनार दुर्ग, समरा धोरा और गढ़सीसर झील समेत शहर भर में कई कार्यक्रम रखा जावेला। कोरोना के कारण प्रदेश में अबारताणी बंद चल रहा पर्यटन विभाग की गतिविधियां ने फेरू सुचारू रूप से स्थानीय लोगों में उल्लास सो माहौल है। आज रा कार्यक्रम में ऊंटारी प्रतियोगिता व आकर्षण रो केंद्र रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी और तमिलनाडु में कई विकास परियोजना वारी कीनी लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा ने करिया संबोधित। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रा दुरुपयोग ने रोकबा खातिर सरकार जारी करी नुआ दिशा निर्देश। 5 साल तई री सजारे साथे न्यारा स्तर माथे अधिकारियों री नियुक्ति रो राख्यो प्रावधान। भारतीय जनता पार्टी विधायक निर्मल कोमावत आज विधानसभा में सांभर झील में हो रहा अतिक्रमण रो उठायो मुद्दों, कया सांभर झील में निजी नमक उत्पादन से करियो जा रो है पानी रो दोहन।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य बजट माथे प्रतिक्रिया देता थका गया। बजट घोषणावारो अंबार मात्र लारा बजटरी घोषणावा नहीं उतरी धरातल माथे। और जैसलमेर रो विश्व प्रसिद्ध मरुमेलो परंपरागत रूप से हुयो शुरू। सूफी गायक कैलाश खेर रो गायन बांधिया समा। एक साथ ही यो बुलेटिन अढ़ाई समाप्त हो। नमस्कार।